टीवी स्क्रीन के ऊपर जो तारीखें आ रही वो अब छत्तीसगढ़ की आ रही हैं, और यहाँ छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में वोट होने हैं और उसका पूरा प्लान आप देख पा रहे हैं। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण होना है पूरे देश भर में 26 अप्रैल को, तीसरा चरण होना है 7 मई को। तो छत्तीसगढ़ की कुल 11 सीटों का प्लान है पहले तीन चरणों में, यानी 19 अप्रैल से 7 मई। पहला चरण 19 अप्रैल को, दूसरा चरण 26 अप्रैल को, तीसरा चरण 7 मई को होगा। ये तीन चरणों में वोट पड़ने हैं छत्तीसगढ़ में। मध्य प्रदेश में चार चरणों में है और छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में। 20 तारीख को केवल एक सीट बस्तर में, 25 अप्रैल को तीन सीटें कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव पर, और 7 मई को 7 सीटों पर। ये जो तीन चरण है इनका डिटेल हम आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, देखें आप। 7 चरणों में जो चुनाव होने पूरे देश भर में, इसमें छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में चुनाव होने हैं, और तीन चरणों में कैसे सीटें विभक्त हैं या किन किन सीटों पर हो रहा है इसका भी डिटेल आपको आईबीसी 24 दे रहा है। 19 अप्रैल को केवल इकलौती सीट पर वोट पड़ेंगे बस्तर में, ये पहले चरण के तहत होगा। 26 इसके बाद 26 अप्रैल को ये जो तीन सीटें हैं 26 अप्रैल वाली, फिर 7 मई को देखें आप, 7 सीटों पर वोट होने वाले हैं। और आप देखें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, ये 7 मई तीसरे चरण वाली है। बिलासपुर, दुर्ग और रायपुर, ये देखें आप। दूसरा चरण जो है 26 अप्रैल को है, इसमें करेक्शन भी कर ले, छत्तीसगढ़ में तीन चरणों में चुनाव है। 19 अप्रैल को एक सीट बस्तर है, दूसरा चरण जो है वो दरअसल 26 अप्रैल है। ये आप देखिएगा 26 अप्रैल है, 25 नहीं, 26 अप्रैल। तीन सीटें हैं कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव, और 7 मई को 7 सीटें हैं। 7 मई को तीसरा चरण है, 7 सीटें हैं इसमें, और ये 7 सीटें कौन सी हैं ये भी डिटेल आपको दिखा रहे हैं। 7 मई को पूरे देश की 94 सीटें हैं जिनमें छत्तीसगढ़ की 7 सीटें हैं, इस पर भी वोट पड़ने वाले हैं। तो 19 अप्रैल को एक सीट बस्तर की, 26 अप्रैल को तीन सीटें कांकेर, महासमुंद, राजनांदगांव, ये दूसरा चरण हो गया, और तीसरा चरण 7 मई को 7 सीटों पर वोटिंग होनी है। छत्तीसगढ़ के आपको सीटों का डिटेल बता रहे हैं, इसमें सरगुजा, रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, बिलासपुर, दुर्ग, रायपुर, ये 7 सीटें हैं जब तीसरे चरण के तहत 7 मई को वोट पड़ेंगे छत्तीसगढ़ में।